पुरुषार्थों को चार भाग में बांटे तो छह छह घंटा हुआ, छिचक 24, तो चौथा पुरुषार्थ क्या है? मोक्ष। यानी संसार के कामों से एकदम मोक्ष मुक्ति को प्राप्त, सोए छह घंटा। सुनो, उससे पहले एक काम, काम का मतलब है परिवार को देखरेख, परिवार को संभालना, दाल चावल चीनी लाना है, मम्मी पापा के पास बैठना है, पत्नी की भी सुनना है, बच्चों के भी पास बैठना है। इसके लिए सिर्फ छह ही घंटा बताए, इससे ज्यादा नहीं, छह घंटा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, नीचे दुकान ऊपर मकान, आदमी घर में ही बैठा रहता है, ग्राहक वहां इंतजार करते रहते हैं। और मैंने बहुत बार कहा है कि रात में नारी घर से बाहर सुरक्षित नहीं है, तो दिन में ये मर्द लोग घर में सुरक्षित नहीं है। नारी को रात को घर में रहना चाहिए, पुरुषों को दिन में घर से बाहर रहना चाहिए। जैसे ही 10 बजे इनको धक्का दे के बाहर करो, किवाड़ बंद कर दो, कहो कि जाओ कमाने के लिए, दिन कमाने के लिए। ये नहीं कि नीचे दुकान के ऊपर मकान के जाता ही नहीं है, वो वहीं बैठा रहता है, चाय पीता है, घरवाली को कहता है अरे क्या लगी रहती है पूरे दिन, चला जा आगे बैठा है। और नीचे की दुकान ऊपर के मकान में ऐसा ही होता है। छह घंटा सोने के लिए, यदि आप छह घंटा नहीं सो रहे हैं तो बीमार हो जाएंगे, तकलीफ में आ जाएंगे। छह घंटे की नींद पर्याप्त है। 40 वर्ष के बाद में 6 घंटे की नींद पूरी बैटरी चार्ज करती है, इससे नींद कम ना हो गए नहीं बीमारी हो जाएगी। फिर नींद पूरी नहीं होगी, पेट में गैस बनेगी, नींद पूरी नहीं होगी तो भोजन नहीं पचेगा, नींद पूरी नहीं होगी कूले कमर सब दुखेंगे। लेकिन नींद दिन में नहीं, नींद रात में ही पूरी होनी चाहिए। सुन ले ओ कान के डपोला खोल के, हाँ, नींद पूरी। इन पुरुषों को कहना चाहूंगा, तुम आते हो 12 बजे, बिचारी माताएं सोए कब ये बताओ, सुबह 4 बजे उन्हें जगना पड़ता है, घर के काम इतने होते हैं। तुम 9 बजे दुकान बंद करते हो, 2 घंटा घूमते हो मित्रों के यहाँ, आते हो 12 बजे, चूल्हा बेचारी आधी रात पर जलाती है, 1 बजे तक तुम्हें खिलाती है, अब 2 बजे से 5 बजे तक 3 घंटे में कहां अपनी नींद पूरी कर ली। इसकी भी तो नींद पूरी होने दीजिए, तुम्हारे इंतजार में वो खाती नहीं। खैर आजकल की तो बहने होशियार है, हाँ, पहले से ही कटोरा सटका देती है। अरे आधी रात तक कौन इंतजार करेगा।